हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके एमसीक्यू कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार टर्म 1 में हमारे पास एमसीक्यू आने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स के सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसकी एक अलग से वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया है कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म 1 की तैयारी करनी है अच्छे से, क्योंकि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में एमसीक्यू क्वेश्चन हम गलत कर आते हैं, है ना? तो इतनी अच्छी से प्रिपरेशन कर लेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रिपरेशन 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 से, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, आज मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चंस यहां पर करवाने वाली हूं। आज मैं क्वेश्चन 1 to 10 हम करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो है 11 to 20 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में हम डेली 10 10 क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखो, आपके पास एक पूर्णांक है m, अगर आप उसके लिए क्या कह रहे हो, प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप के होंगे। सम पूर्णांक सम मतलब जो 2 की टेबल से आते हैं, वही वाले पूर्णांक ना। तो देखो, m तो नहीं होगा। अगर आप m प्लस 1 करते हो, मान लो अगर m का मान 2 है, क्योंकि ये पूर्णांक है हमें नहीं पता विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है, ये नहीं पता ना। तो अगर आप m की जगह यहाँ पर 2 रखते हो, तो 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा, तो ये तो आपका सम पूर्णांक नहीं कहलाया। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ 2m लेते हो, तो 2 से आप किसी भी पूर्णांक को गुणा करो, वो आपका सम पूर्णांक ही आएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, m की जगह आप 3 रख के देख लो, आ रहा है नहीं आ रहा सम पूर्णांक, आ रहा है। आप इसकी जगह 5 रख दो, तब भी सम पूर्णांक ही आ रहा है। आप इसकी जगह 4 रख दोगे, तब भी सम पूर्णांक ही आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। तो किसी भी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप के होते हैं, 2m के रूप के होते हैं। अब m का मान चाहे कुछ भी हो, जो आपका सम पूर्णांक होगा वो हमेशा 2m के रूप का ही होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप के होते हैं। अभी हमने सम पूर्णांक किया, अब हम कर रहे हैं विषम पूर्णांक। तो जब सम पूर्णांक 2m के रूप के थे, तो विषम पूर्णांक किस रूप के होंगे, 2m प्लस 1 के रूप के होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सम पूर्णांक में 1 जोड़ोगे तो वो विषम पूर्णांक आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। उदाहरण लेके देखते हैं, m की जगह पर हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 into 4 plus 1, तो 8 plus 1 9 हो जाएगा, आ गया विषम पूर्णांक। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बी ऑप्शन क्यों नहीं आया, m प्लस 1। बिल्कुल सही सोचा, अगर मैं 4 लेती हूँ तो यहाँ 4 plus 1 5, ये भी तो मेरा विषम पूर्णांक आया। लेकिन अब अगर मैं m की जगह मान लो मैं 3 लेती हूँ, तो अब मैं अगर डी वाले ऑप्शन में 3 रखती हूँ, तो मेरा कितना आएगा, 7 आएगा, ये विषम पूर्णांक आ रहा है। क्या ये जो 3 है ये बी वाले में फॉलो होगा, चलो करके देख लेते हैं। 3 plus 1 4 फॉलो हो रहा है, नहीं, ये आपका विषम पूर्णांक नहीं है, ये आपका सम पूर्णांक है, नहीं हो रहा ना फॉलो। इसका मतलब इसका आंसर है डी। तो अगर आपके पास कोई भी पूर्णांक हो जो एम है, तो उसके लिए अगर आपको विषम पूर्णांक चाहिए, तो वो किस रूप के होंगे, 2m प्लस 1 के रूप के होंगे। और अगर सम पूर्णांक चाहिए, तो वो किस रूप के होंगे, वो 2m के रूप के होंगे। क्लियर, आप इसे, आपके पास एक यूक्लिड विभाजन थ्योरम है ना, एक प्रमेय का है ना, वो भी आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका है, मैंने आपको इससे करा दिया है। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, संख्या एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n। देखो, आपको यहाँ एक संख्या दे रखी है एन स्क्वायर माइनस 1, ये 8 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, विभाज्य मतलब पूरा पूरा भाग होता है। तो फिर बताओ n क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा, तो क्या होगा इसमें से, ये आपको बताना है। देखो, पूर्णांक में तो दोनों आ जाते हैं, सम और विषम संख्या दोनों आ जाती है। प्राकृतिक संख्या में क्या आते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, विषम संख्या वो होंगी जो 2 की टेबल में नहीं आती, सम संख्या वो होती है जो 2 की टेबल में आती है। देखो, अगर मैं n की जगह पे यहाँ पर कोई भी एक, अगर मैं उदाहरण लूँ, कोई भी एक संख्या रख के देखो, आप ऐसा करते हैं 8 ही रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर तो 16, 8 जा कितना होता है 64, माइनस 1 तो 63 आ जाएगा, लेकिन ये तो 8 की टेबल में नहीं आता,
नहीं आता ना, तो इसका मतलब सम संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक सम संख्या रख के देखी, एक उदाहरण देखा सम संख्या का, तो वो नहीं हो रहा 8 से डिवाइड, तो सम संख्या तो नहीं है इसका आंसर। अब जब सम संख्या नहीं है तो पूर्णांक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूर्णांक में सम संख्या और विषम संख्या दोनों ही जुड़ी हुई होती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में भी तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों होती है। तो फाइनली आंसर बचा कौन सा? आंसर बचा हमारे पास सी, विषम संख्या। अब एक बार एक उदाहरण से इसको रख के देख लें, क्या सच में ही विषम संख्या है? चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं, कोई विषम संख्या कौन सी लें? 7 ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, -1 आ रहा है 48। क्या ये 8 की टेबल से पूरा पूरा भाग होगा? बिल्कुल होगा, 8 6 48 होता है, होगा नहीं होगा? तो देखो सही है ना आंसर सी, विषम संख्या। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन 3। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि 465 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा? देखो आपको ना HCF दे रखा है, और HCF किन दो संख्याओं का दे रखा है आपको? 65 का और 117 का, जो कि आपको 4 दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि जो ये आपका HCF है ना, इसको आप इस रूप में व्यक्त कर सकते हो, तो इसका मतलब है इसको मैं इसके बराबर लिख सकती हूँ, तो फिर मुझे m का मान बताना है। तो m का मान तो बहुत आसान है, उसके बाद बताना है नहीं है आसान। ठीक है, तो हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए अब कैसे होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर मुझको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका HCF 4 नहीं होता, इनका HCF 13 आएगा। अगर हम 65 और 117 का HCF निकालें तो वो 13 आएगा, है ना? तो इस 4 को कट करके हम क्वेश्चन में 13 कर देते हैं, तो ये बाय मिस्टेक 4 लिखा गया होगा, यहाँ 13 आएगा, तो इसको इसके बराबर रख दिया। अब हमारे को क्या करना है, इस क्वेश्चन में m का मान निकालना है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको 117 को आप यहाँ पर ले जाओ, ठीक है ना, माइनस का था तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले आई, तो ये प्लस का हो गया। अब 13 में क्या करते हैं, 117 को प्लस कर देते हैं, ठीक है, और ये 65 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर आके ये डिवाइड का हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसका मतलब m का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो d हमारा, ये ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, d, यहाँ पर b आएगा, b ऑप्शन आ गया हमारे पास, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो वो कौन सी संख्या है? देखो आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जब भी बोले ना, तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है, और जब भी आपको कहे सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है, LCM निकालना है। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो जब भी आप HCF निकालोगे ना, तो आप क्या करो, पहले वो शेषफल दोनों में से घटा दो, ठीक है? तो अभी हमने पीछे इसका शेषफल देखा, देखा ना हमने वो HCF देखा कितना था, 13, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 13। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनका HCF निकालना है, जो कि हमारे पास आएगा 13। मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ HCF निकालते कैसे हैं एक क्वेश्चन में, ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर, ठीक है? तो अब यहाँ लिया 117, तो ये तो 13 की टेबल में 9 पे आता है, देन 3 3 जो 3 बन जा, आप चाहो तो पहले 3 से भी कर सकते थे। तो अगर हम देखें तो इनमें से दोनों में सिर्फ 13 ही उभयनिष्ठ है, तो HCF कितना आ गया आप पे, 13 आ गया, क्लियर। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात करें, तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को, ए दे रखा है और बी दे रखा है, के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF क्या होगा? देखो क्वेश्चन में है क्या, आपके पास ये धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, ए ये पूरा दे रखा है आपको और बी ये पूरा दे रखा है आपको, इन दोनों का HCF निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो ए आपको दे रखा है यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, लिख सकते हैं ना। बी आपको दे रखा है एक्स वाई क्यूब, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अब हमें HCF निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो दोनों में एक तो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स लिख दिया, वाई y भी लिख देंगे, ठीक है, एक और y है, दो y है, तो इसका मतलब y स्क्वायर कर दूं ना y स्क्वायर, तो यही मेरा क्या आ गया, HCF आ गया, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर b आ गया,
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, शून्यांक दो धनात्मक पूर्णांकों पी और क्यू को, पी और क्यू फिर दोबारा वही जैसे पीछे ए और बी का मान दे रखा था, यहाँ पर पी और क्यू का दे रखा है, के रूप में व्यक्त किया जाए, किया जा सकता है, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या किया है, एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो पी और क्यू का निकालना है। देखो पी आपको दे रखा है ए बी स्क्वायर, तो इसको मैं ए इंटू बी इंटू बी लिख सकती हूँ। क्यू आपको दे रखा है ए क्यूब बी, तो इसको मैं तीन बार ए का गुना, मतलब तीन गुना है ना, इंटू बी लिख सकती हूँ। अब एलसीएम हम निकालेंगे कैसे, देखो इन दोनों में एक तो ये उभयनिष्ठ है तो एक ही बार लिख दिया, एक ये उभयनिष्ठ है इसको भी एक ही बार लिख दिया, बाकी के जो बचे हैं उनको ऐसे ही लिख देते हैं, यही करते हैं एलसीएम निकालते टाइम पे। तो ए कितनी बार लिखा हुआ है, तीन बार लिखा हुआ है, लिखा है तीन बार, और बी कितनी बार लिखा है, दो बार। तो अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी आपका ऑप्शन है, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ आपसे कह रहा है एक शून्यता परिणाम परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखो अगर आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या इन दोनों को गुना करो तो आपका उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा हमेशा, परिमेय संख्या आएगा हमेशा, अपरिमेय या परिमेय दोनों में से कुछ भी आ सकता है या फिर एक आएगा। आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो क्या आएगा अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो एक परिमेय संख्या लेनी है, माना मैंने 2 ले लिया, एक अपरिमेय संख्या लेनी है, माना मैंने √2 ले लिया, जब मैं इन दोनों को गुना करूंगी तो 2√2 आएगा। तो 2√2 है क्या, आप ये बताओ, परिमेय तो नहीं है ये, ठीक है, ये अपरिमेय है, इसका मतलब इसका आंसर सदैव अपरिमेय आएगा। आप कोई सी भी दो संख्या ले लो, कोई सी भी दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा जब आप उनका गुना करोगे तो। 0 नहीं लेना, ठीक है, उसके अलावा कोई भी आप संख्या ले लेना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। कह रहे परिमेय संख्या, आपको एक ये परिमेय संख्या दे रखी है, का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखो इसका आपको ये बताना है कि दशमलव प्रसार जो है वो कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर जो आपके पास हर दे रखा है उसके गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। तो जब आप इसके गुणनखंड यहाँ पर निकालोगे 1250 के, चलिए निकाल के देखते हैं यहाँ पर, तो 1250 पहले 2 की टेबल से जा रहा है 625 पे। अब अगर हम देखें तो ये 5 से जा रहा है ना 5 से 125 पे, फिर दोबारा ये 5 से जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 25 पे जा रहा है, ठीक है। अभी भी ये 5 से जा रहा है, 5 जा और 51 जा, ठीक है ना। तो कितना आया आपके पास, 2 × 5 की घात कितनी आई, 4 आई, 4 आई ना। तो जितनी भी जो इन दोनों में बड़ी घात है वो देखनी है आपको, तो बड़ी घात यहाँ पर 2 की घात 1 है, अब 5 की कितनी है, 4 है, तो कौन सी बड़ी है, 4, इसका मतलब इसका उत्तर है 4। देखो आपके पास ये MCQ क्वेश्चन आएंगे तो पूरा हल करके दिखाने की कोई जरूरत आपको होगी ही नहीं, सिर्फ आपको टिक लगाना है। तो सिर्फ आप ये देख लो 2 और 5 में किसकी घात बड़ी है, जिसकी घात बड़ी है उतने ही दशमलव स्थान के बाद वो समाप्त हो जाएगा, क्लियर क्वेश्चन। चलिए आते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाकी के आगे के क्वेश्चंस भी हैं, अभी 10 क्वेश्चंस में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, तो आगे के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, तो मैंने सोचा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो चलो आसान सा रख देते हैं। तो कौन सी अभाज्य संख्या है, देख के ही पता चल रहा है कि 11 अभाज्य संख्या है, क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ हमारे आज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।